पीटीआई एहतजाज कर रही है मरदमशुमारी पे। मुझे बड़ा अजब महसूस हो रहा है कि जब कराची को 1,60,00,000 गिना गया था, पूरे सिंध को 4,70,00,000 के करीब गिना गया था और मैंने उस पर एहतजाज किया था सीसीआई में, तो पूरी पीटीआई मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थी। अब वो एहतजाज कर रही है, मुझे बड़ा वैसे हैरत हुई है कि पीटीआई, लेकिन उसमें कोई वैसे हैरत की इतनी बात भी नहीं है। कभी मतलब पता नहीं, कल कहेगा कि नहीं, वो मुराद अली शाह ने असल में साजिश शुरू की थी, फिर उसने ए को कहा, ए ने बी को कहा, बी ने सी को कहा, फिर उसने मुराद अली शाह, तो ये वही बात हो गई है पीटीआई की। तो मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। जमात इस्लामी ने भी कोई ऐसी ख़ास इवन मैं कहूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी उस वक्त उस को अग्री किया था इस शर्त में कि जी आप दोबारा जल्दी मरदमशुमारी कराएंगे। मरदमशुमारी जब शुरू हुई भी, मेरा पहले दिन से उसके पूरे तरीक़ेकार पे और उसमें हमने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं और वो अभी तक पूरी तरीके से दूर नहीं हुई हमारी। कुछ ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ नहीं सुना, हमें कुछ ज़रूर किया है, लेकिन अभी तक हमारे ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। और मैं फिर आपको बता दूंगा, एक बड़ा सिंपल स्टेटिस्टिक्स है, नंबर ऑफ पीपल पर हाउस होल्ड, यानी एक घराने में कितने लोग हैं, इस वक्त भी सिंध का पूरे पाकिस्तान के एवरेज से कहीं कम है। और ये हमें बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं मुझे अवार्ड देना चाहिए पॉपुलेशन वेलफेयर वालों को इसके ऊपर, या कहना चाहिए कि ये गिनती गलत हो रही है। तो ये हमारे इतराज़ात अभी तक हैं और वो हमने एयर किए, और मैंने कहा कि इस सूरत में मैं काबीना से हिदायत लूँगा और मुझे नहीं लगता कि काबीना मुझे इजाज़त देगी कि सेंसस को सपोर्ट करें जिस तरीके से इस वक्त है। 90 दिन इस पर भी लिखे हुए हैं कि अगर कोई कौमी असम्बली, कोई सूबाई असम्बली की सीट खाली हो जाती है, इस वक्त कितनी सीटें खाली हैं जो कौमी असम्बली की, वहाँ 90 दिन याद नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन याद नहीं आ रहे, पंजाब के अंदर भी 90 दिन गुजर गए, अब याद आ रहे हैं 90 दिन दोबारा। तो ये सेलेक्टिव चेरी पिकिंग जो है ना, ये नहीं, और जिसका कोई पे हमें नज़र आए कि इसके पीछे कोई साजिश हो, कोई मकसद हो। मैं ये नहीं कह रहा कि साजिश कौन कर रहा है, ना मैं जजेस के ऊपर कह रहा हूँ कि वो साजिश कर रहे हैं, शायद वो अप्रिशिएट नहीं कर सक रहे इस चीज़ को। मैं ये कहूँगा अगेन, दे आर वेरी वाइज, उनको करना चाहिए, उनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तो खर्चा, आप इस मुल्क जो इस वक्त वैसे ही परेशानी में है उस पर आप डबल खर्चा कराना चाहते हैं। आपकी जो कह रही हैं सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस कि ये वक्त सही नहीं है, हमें एक वक्त दें, बार बार देखें, हमने ताज़ा सेंसस का सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है सारा अमल, फटीक हो जाती है जो उसके अंदर आ जाता है। आपके पोलियो की मुहिम वगैरह चल रही होती है सब, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि एक जब पता होता है ना, पहले से एक पता है मुझे कि जी अक्टूबर में होने, तो मैं अपनी ट्रूप्स को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरीके से रिजर्व में रखता हूँ कि वो उस वक्त, लेकिन अगर आप पूरा साल ये चलाते रहेंगे तो फटीक हो जाएंगे, वो कर नहीं सकेंगे। तीसरा, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सुबह पंजाब 50% से ज़्यादा है, हमारी आइन कहता है कि केयरटेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। अभी ये भी फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं है, और पंजाब में इलेक्शन हो, तो हमने कहा कि जब चीज़ आइन में डालेगी तो आइन को एज ए होल पढ़ना चाहिए, एक शिक पे अटक नहीं जाना चाहिए, जो अटक गए हैं आप एज ए होल पढ़ें और इसका हल निकल आएगा, और इसका हल निकला हुआ है। लेकिन अगर आप अपने ईगोज़ के ऊपर आ जाएंगे फिर वो कि जी मैं सही था, मैंने एक गलत फैसला भी किया तो अब मैं उस पर अटका रहूँगा, यानी गलत, मैं ये भी नहीं कहूँगा गलत फैसला था, फिर मौके के मुनासिबत से सही फैसला, आप पता नहीं ये समझते कि बजट जो है ना वो ऐसे ही दफ्तर में, बजट जून में ही होगा, ऐसा कोई इरादा नहीं है जल्दी करने का। मैंने मुझे पता है ना, वो अक्सर हमें अक्सर चीज़ें काबीना से पता, सॉरी मीडिया से पता चलती कि ये हो रहा है, जिसकी जहन गुबान में भी बारिश तो रोक नहीं सकते अल्लाह ताला की तरफ से, हमने उसकी तैयारी कर ली है और उसके लिए जैसे ये बारिश की अभी एंड ऑफ अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मई में थोड़ी सी स्पेल्स का है खच्चा, हमने जो भी आज इस वक्त एज आई स्पीक प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग चल रही है सारों के साथ, तो तैयारी कर रहे हैं। ज़रूर हमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो पिछले साल जैसी बारिश हुई तो हमें संभालना मुश्किल होगी। इसमें क्या अल्लाह ताला की जो आजमाइश है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमने पहले भी कोशिश की थी और इसका मैं कहता हूँ ना, प्रूफ जो है ना
वो आ जाता है इतनी शदीद सैलाब के बाद। सूबा सिंध में इलेक्शंस हुए इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो लोगों के साथ खड़ी रही, बाकी सारे वो जबानी जमा खर्च करते रहे और वो रिजल्ट नज़र आ गए। अभी भी हम अपने लोगों के साथ होंगे जब बारिश होगी। आपने स्कूलों का जिक्र किया, मिनिस्टर साहब मेरे साथ खड़े, हमने कई इकदाम किए, शेल्टर्स भी लेके ताकि उन बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। हमने अभी रिसेंटली 3 बिलियन जो आपको नया फंड, एक फंड अवेलेबल किया है ताकि उन स्कूल्स को रिपेयर भी किया जाए और जल्द से जल्द भरा जाए।